टाटा ने पिछले दिनों अपनी आने वाली माइक्रो एसयूवी की नाम की घोषणा की। अब वो एचबीएक्स की बजाय पंच के नाम से भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन पांच महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत करेंगे या चर्चा करेंगे जो पंच से संबंधित है, और आप यदि पंच में किसी तरह से रुचि ले रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आप इस गाड़ी को पूरी तरह से समझ पाएँ। साथियों, सबसे पहले जो पाँच महत्वपूर्ण चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है वो है इसका इंजन। ये काफ़ी पावरफुल है। जब सब फॉर्मेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवीज में 1.0 लीटर का इंजन दिया जा रहा है, वहीं इस माइक्रो एसयूवी में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये 3 सिलेंडर के साथ आएगा और 86 bhp का पावर जनरेट करेगा, जबकि ये 113 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस तरह से देखें तो ये इंजन काफ़ी शानदार रहने वाला है। वहीं इससे भी कहें या फिर कहें कि सोने पे सुहागा ये कि इसका 1.2 लीटर टर्बो इंजन भी आने वाला है, जिसमें 110 bhp का शानदार पावर और 140 nm का टॉर्क जनरेट होगा। ये इंजन है वो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आएंगे। तो इस तरह से देखें तो इंजन के मामले में आपको किसी भी तरह की घबराहट या फिर कहें कि असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इंजन के मामले में पंच आपके लिए सबसे शानदार हो सकती है। साथियों, इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये गाड़ी पहली एसयूवी होगी जो अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनेगी। वैसे तो आपको बता दें कि इससे पहले टाटा की अल्ट्रोज भी इस प्लेटफॉर्म पर बन चुकी है, और ये इसके लिए खुशी की बात है क्योंकि टाटा अल्ट्रोज को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट हुआ, उसमें 5 में से 5 स्टार मिले। तो हम ये मान सकते हैं कि ये गाड़ी भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाली है, और सेफ्टी के मामले में इससे भी 5 स्टार मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये कि जो ये अल्फा प्लेटफॉर्म है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को सपोर्ट करने वाला है, फुल्ली सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले समय में इसका यानी कि पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन भी भारत में लॉन्च होगा, और ये बहुत जल्द हो सकता है, 2023 के आसपास हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये दो महत्वपूर्ण बातें होगी कि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहने वाली है, इसका प्लेटफॉर्म है वो वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना और मजबूत है, और साथ ही साथ इसका इंजन है वो भी काफ़ी पावरफुल है, यानी अंडर पावर की समस्या आपको कहीं से भी नहीं रहने वाली। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसकी लॉन्च डेट। आपको बता दें कि कंपनी ने इस बारे में अभी घोषणा नहीं की कि वो कब लॉन्च करने वाली है, लेकिन सिर्फ ये बताया कि त्यौहारी सीजन में इसे लॉन्च करेंगे, यानी दीपावली के आसपास इसे लॉन्च करेंगे। भारत में आप जानते हैं लोग बड़ी संख्या में गाड़ी खरीदते हैं दीपावली के आसपास, तो इसी सेंटिमेंट को का इसका फ़ायदा कंपनी लेना चाहती है, और पंच को उस समय लॉन्च करने की संभावना है। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया जा सकता है। खैर, त्योहारी सीजन में ये गाड़ी आपको निश्चित तौर से भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से चौथी चीज़ जिसे आपको जानना चाहिए वो है इसमें आपको 17 सेंटीमीटर का, यदि इंच की बात करें तो 7 इंच की आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ ही IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस होगा, और ये हरमन का होगा, जिसमें साथ ही साथ आपको जो स्पीकर्स मिलेंगे वो भी हरमन के मिलेंगे। तो कुल मिला के साउंड क्वालिटी की बात करें या फिर जो फीचर है ये काफ़ी शानदार होने वाले हैं। आप यदि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का विचार करें, जैसे कि वेन्यू ले रहे हैं, नेक्सन ले रहे हैं, सोनेट ले रहे हैं, तो वो जो फीचर प्रोवाइड करवाती है वो कारें, ये सभी फीचर आपको इसी कार में मिल जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आपको फीचर्स की किसी तरह से कमी नहीं रहेगी। साथियों, अंतिम या फिर कहें कि पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसकी प्राइस। ये क्योंकि एक माइक्रो एसयूवी है, लिया जाए इसकी प्राइस काफ़ी कम रहने की संभावना है। हालांकि इसकी सेफ्टी फीचर्स को देखें, इंजन ऑप्शन को देखें या फिर दूसरी जो भी चीज़ें हैं उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 5 लाख से ऊपर इसकी प्राइस होगी, लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये है, ज़्यादा लोग इस संभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि इसकी प्राइस 5 लाख से कम होने वाली है। आपको बता दें कि चाहे रेनो की काइगर की बात करें या निसान की मैग्नाइट की बात करें तो शुरुआत में उनकी प्राइस 5 लाख के आसपास ही थी, लिहाजा कंपनी इसको 5 लाख से कम में ही लॉन्च करेगी। और एक जो अपुष्ट रिपोर्ट आ रही है या फिर कहें कि बात हो रही है वो ये कि इसकी प्राइस 4,49,000 रुपये से शुरू होगी, जो 7,80,000 रुपये तक चलेगी। हालांकि ये एक अनुमान है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी प्राइस 5 लाख से कम रहने की भरपूर संभावना है। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी रह सकती है, या फिर जो भी और अन्य चीज़ या आप अपनी राय रखना चाहें इस गाड़ी के बारे में, अपने विचार रखना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। आपके कमेंट्स को हम एक एक पढ़ेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में उसका मेंशन करेंगे। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए और पंच आप समय से खरीद पाएँ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।